Chetan Mathur, the writer of our film. A writer? How do you do? Pleased to meet you. Photo pe tabassum nazar kahmi kahmi. First, I take you to Lord Faisal, then you give it to me. Take it now. मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि कल सुबह मेरी सच्चाई का पूरा सबूत मिल जाएगा। अरे भाई सायमा सुना, मुराद जैसे लड़के को ठुकरा दिया, बड़ी बेवफा निकली। अस्सलाम वालेकुम, मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूँ सुहेब अलवी और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद परशोरी जो हमेशा के नौजवान हैं। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। कैसे आपके मुंह में घी शक्कर? कैसे हैं खालिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सुहेब भाई। डॉन को पकड़ना शायद मुश्किल इतना नहीं है जितना आपको पकड़ना है, और आप जैसा आदमी ना पकड़ पाए तो देखें क्या। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये हवा भी बड़ी संगदिल है, देखो तो मेरी तस्वीर ही तोड़ डाली। अच्छा ये बताइए, ज़िया मोहिउद्दीन और अमिताभ बच्चन, कोई लिंक है आपके दिमाग में? नहीं यार, अमिताभ बच्चन और ज़िया मोहिउद्दीन का तो इसके अलावा कोई लिंक मेरे जहन में नहीं आता कि अमिताभ बच्चन ने भी जो है वो करोड़पति किया था कौन बनेगा, और कहीं एक हल्की सी कोई झलक है जो शायद ज़िया साहब ने भी किया था। फरीदा खानम ने अदाकारी भी की, सैलाब, इल्ज़ाम। ये लेकिन आपकी तो ज़िया साहब से बड़ी गहरी, भाई आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है उनके ऊपर। हमने उनका शो किया था दो दिन नापा में ही, महीनों आप उनके पास उठे बैठे। एडिटिंग उसकी जो थी 10 एपिसोड की, वो एक एक फ्रेम देखते थे और मैं अपना लैपटॉप लेके जाता था बैठता था, और आखिरी मुलाकात जो थी मेरी उनके साथ 5 घंटे सारी जो जो चेंज एपिसोड नंबर 1 चेक करते थे, अगले में जब हम 2 दिखाने जाते थे तो 1 फिर चेक करते थे, अच्छा फिर 3 दिखाने जाते तो 1 और 2 चेक करते थे। कहते हैं कि कोई बादशाह बड़ा जवान मर्द और सखी था। 10 एपिसोड पूरी हो गए तो वो जो था उसके बहुत उनके साथ चाय भी आती थी, बैठते थे तो एक दो चाय पी रहे थे, बात करते करते मुझसे मैंने कहा सर चाय तो पी लें, तो हंस के कह रहे कि भाई मैं तो सिर्फ 2 घूंट पीता हूँ, बिस्किट्स वीटेबल्स वाले खाते थे और कोई बदपरहेजी नहीं। और नुसरत साहब हमारे बॉस नुसरत अमीन जी, वो कहते थे मुझे कि तुम्हें देख के ज़िया साहब वो नहीं कार्टून में नहीं हार्ट निकलता ट्वाइंग ट्वाइंग करके, वो होता उनके साथ, उनका दिल बल्लियों उछलने लगता है वो, क्योंकि मैं शायद उनसे पुरानी बातें करता था और इस तरह करके हो सकता है। हालांकि बड़े डिफिकल्ट आदमी थे और बहुत ही पजेसिव आदमी थे, लेकिन मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहा उनका टाइम, मज़ा भी आया, बहुत सीखा, बहुत सीखा। ता 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 भाई यूँ कर लेंगे ना आप, एक जुमला उन्होंने ऊपर नीचे पढ़ दिया था, जो वर्ड था वो आगे पीछे हो गया था, तो उन्होंने कहा कर देंगे, मैं कहा मैं कोशिश करता हूँ। मैं आया एडिटिंग मशीन पे किया और उनको दिखाया तो पास कर दिया। बैठे हुए एक दिन उनके साथ बात हो रही थी तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि आपने तो अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, हंसे। ज़िया मोहिउद्दीन ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया? अरे ये कहाँ से खोज लिया भाई आपने? हंसे और कहने लगे कि जो आपने नाम लिया जिन साहब का, ही वॉज वन ऑफ द 12 extras इन दैट सीन जिसकी आप बात कर रहे हैं। What's happening? It's a funeral. Don't think about it. No, it's bad luck. Ask him to tell you. India में एक फिल्म बनी थी बॉम्बे टॉकी के नाम से। हाँ हाँ हाँ। जिसमें ये बटर नाइफ से जो है वो मार देते हैं उसको। शशि कपूर। हाँ। शशि कपूर, जेनिफर कैंडल और ज़िया साहब। हाँ, तो उसमें अमिताभ। अमिताभ स्ट्रगल कर रहे हैं। अमिताभ की एक आध फिल्म आ चुकी थी। अमिताभ बच्चन को डायरेक्शन तो पता नहीं थी कुछ करना क्या है, तो वो किसी एक सीन में एक्स्ट्रा की जगह आके खड़े हो गए, अननोन अमिताभ बच्चन। अच्छा। शशि कपूर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने आके अमिताभ को देखा, और चूंकि अमिताभ के अब्बा एक मशहूर आदमी थे तो उन्होंने अमिताभ से कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि सर मुझे पैसे चाहिए, मुझे रोल करना। शशि कपूर प्रोड्यूसर थे फिल्म के, उन्होंने भगा दिया उसको वहाँ से, तो भागो यहाँ से, हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है और ये है वो, बड़े बाप के बच्चे हो, ये क्या कर रहे हो काम? What does anyone want? Money, love, youth, beauty. जो अगला सीन हुआ जब वो लॉन्ग शॉट था या क्लोज शॉट था, उसमें अमिताभ बच्चन नहीं थे। अच्छा। फिल्म के अंदर बच्चन साहब नहीं है उस सीन में, नहीं वो जिस सीन के लिए थे, थे वहाँ आ गए थे, शूट हुआ था लेकिन वो यूज नहीं हुआ। लेकिन शशि कपूर की फिल्म में ज़िया साहब
और बच्चन एक सीन, और अमिताभ बच्चन वाज वन ऑफ द 12 एक्स्ट्रास। ओ हो हो, वाह यार वाह। तो वो तुम उसका क्लिप जो है वो है तुम्हारे पास? निकल आएगा, लगा देते हैं। हाँ यार, वो लगाना जरूर उसको, क्योंकि मैं तो खुद देखूंगा आप जाके दोबारा। तो बच्चन नहीं है ना उसमें? एक सीन में तो है। नहीं, वो जो उसका दोबारा कर लिया। अच्छा, वो दोबारा किया। थियोसॉफिकल हॉल, रोमियो एंड जूलियट थिएटर। इन साहब को मैंने ही थिएटर पे इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा।